वालेकुम सलाम। मैं मिसेस सुगरा का बेटा हूँ। मिसेस सुगरा यानी कि दो मई को एक ही की दो स्क्रू के पल्ले थे, तो इनकी सिर्फ लेफ्ट साइड के पांच जगहों से इनकी हड्डी टूटी थी। उसका यानी कि मैंने एनएमसी से इसका एक्सरे कराया। एनएमसी वालों ने बोला कोई घबराने की बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरे इनके दो, एक मैंने 2 मई को करवाया, एक मैंने 17 मई को करवाया 2020 के। तो एनएमसी के डॉक्टर ने बोला कि यानी कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपकी अम्मी को बेड रेस्ट पे रखो, ये कम से कम 16 जुलाई तक ये अपने उस पर आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसको घर पे रखा। रात को इसकी बीपी का बीपी लो हो गया, जिसकी वजह से मैं इसको इंडस हॉस्पिटल ले गया। इंडस हॉस्पिटल में जैसे ही ले गया तो 15 मिनट में शायद मेरी अम्मी ने दम दे दिया। फिर डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे अंदर नहीं छोड़ा, बोला आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर बैठो वेटिंग पे, जब आपकी जरूरत होगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर मुझे 4 बजे तक नजर नहीं आया। मैंने जाके कार्ड से पूछा भाई डॉक्टर का, तो कार्ड ने बोला डॉक्टर अभी सहरी करने गया हुआ है, सहरी करके जैसे ही आएगा मैं आपको बुलाऊंगा। उसके बाद 4:30 बजे डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मुझे बोला भाई आपकी पेशेंट अच्छी कंडीशन नहीं है, शायद ही एक्सपायर हो गई है, फिर भी हम इसके ऊपर 10 मिनट तक अपनी मजबूरी सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 5 बजे डॉक्टर ने मुझे बोला आपकी जो मदर है उसकी डेथ हो गई है, आपकी मदर की डेथ हो गई। तो मुझे उसके बाद यानी कि जब मैं उसको यहाँ पे लाया तो मुझे बोला कि आपको यानी कि 2 लाख या 2.5 लाख हम देते, आप अपनी मदर को छोड़ो। मैंने बोला आप 2 लाख क्या, आप हमें 10 लाख दोगे तो भी हम अपनी मदर को नहीं छोड़ो, क्योंकि हम अपनी मदर का इलाज करवाने गए थे, उनको भेजने नहीं गए थे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमें हमारी वालदा की जो यहाँ पे डेड बॉडी है वो हमें दी जाए, ईदी के सोरापुर के सर थाने से। हम सुबह से फॉर हो रहे, हमने कहाँ का फोन किया, हमने मिनिस्टर को फोन किया, अपने शहीद गनी को फोन किया, फरहान भाई को फोन किया, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हम मजबूर होकर यहाँ पे आए। मेरी ये गुजारिश है कि हमारी कम से कम हमारी अम्मी की हमें डेड बॉडी दे, हम इनको जाके अपने जो हमारा गांव है हम वहाँ पे दफनाए। कोरोना कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा 4 माह का बेटा है, रात को मेरी अम्मी ने उसको अपनी गोद में खिलाया है। तकरीबन अगर होता तो उसको लगे, आप छोटे बच्चे का टेस्ट करवाए, अगर कोरोना लगेगा तो उसको लगेगा, हम 6 भाई है हमें लगेगा, हमारी गोद में हमारी अम्मी ने यानी कि गोद में हमारी सोती थी, लगना चाहिए। तो हमें सारे घर के लोगों को कोरोना लगे ना, हमारी अम्मी को क्यों लगा, इसको ज्वाइंटिस, इसको ऑर्थोपेडिक का मसला था, तो इसको कोरोना में क्यों बिलावजा डाल रहे हैं। अभी मुझे पता है 6 बजे ये छुट्टी रिपोर्ट बनाएंगे, तो मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि इन्हें लिस्टें बनानी है, इनको कोरोना के पेशेंट बनाने पैसे के लिए, मुझे सब कुछ पता है। और ये इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही करेगा कोरोना का टेस्ट, नेगेटिव नहीं करेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल स्टाफ हूँ, मैं डाउ का एम्प्लॉई हूँ, मुझे सब कुछ पता है क्या हो रहा है मेरा मेडिकल में हो रहा है, मुझे सब कुछ पता है, मेरा मुंह ना खुला है। मैं अभी भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि फिलहाल भाई हमें अपने मदर की डेड बॉडी दी जाए। आप सिंध गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? सिंध गवर्नमेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये अपना धंधा छोड़ दे, क्योंकि हमारी अम्मी की सिर्फ हड्डियाँ टूटी है, उनको कोरोना क्यों हो गया भाई? कोरोना एक यानी कि 2 घंटे 15 मिनट में कोरोना हो गया, कैसे कोरोना हो गया 15 मिनट में? इफ्तारी के बाद वो हमारे साथ रही है, हमारे साथ रोजा खोला है उसने, अगर कोरोना होता तो हमें भी लगे ना, हमारे भी टेस्ट करवाए जाए। मैं ये कह रहा, अगर हमें अगर ये डेड बॉडी ना मिली तो हम यहाँ खुद को आग लगा देंगे, मार देंगे हम खुद को। तो इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होगी। मैं अभी कहता हूँ अगर हमने खुदकुशी कर ली तो इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होगी, इसका जवाब आप इस सिंध गवर्नमेंट से लेके।